हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंघल, रिसर्च एनालिस्ट। आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की। तो आज यानी निफ्टी ओपन हुआ 8386 पर, और उसके बाद निफ्टी ने थोड़ा हाई बनाया 8576 का, और उसके बाद धीरे धीरे निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती रही, और उसके बाद निफ्टी ने 8242 का लो बनाया, और फाइनली निफ्टी ने 8281 की क्लोजिंग दी। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। हमने आपको कल ही ये बताया था कि निफ्टी 8400-8300 तक के लेवल टच कर सकता है, तो आज हमारे दोनों ही टारगेट निफ्टी ने पूरे किए हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल के लिए यानी 31 मार्च के लिए निफ्टी एक रेंज में रह सकता है, जो रेंज 8600-8100 की रह सकती है। तो इसी रेंज में निफ्टी रह सकता है। तो जब भी 8600 के आसपास निफ्टी आए तो आपको सेल करना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर हम अब इसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ 19254 पर, और फिर बैंक निफ्टी ने 19716 का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद उसमें भी धीरे धीरे वही प्रॉफिट बुकिंग आती रही और 18669 का लो लगाया और 18759 पर क्लोजिंग दी। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि 19500-19000 तक के लेवल निफ्टी में बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं, तो वो लेवल हमारे अचीव हुए। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम कल की बात करें, कल यानी 31 मार्च के लिए बैंक निफ्टी के लिए एक रेंज में रह सकता है बैंक निफ्टी 19500-18500 की रेंज में। तो जब भी 19500 के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो आपको सेल करना चाहिए और अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको अपने किसी पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस स्टॉक का नाम, स्टॉक की क्वांटिटी, स्टॉक का प्राइस, जो भी आपने परचेज किया है, और जो भी होल्डिंग पीरियड जिस पीरियड के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, वो सब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम अगले एपिसोड में उस स्टॉक के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश भी जरूर करेंगे। बाकी हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और घर पर ही रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।